नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल बाबू इलेक्ट्रिक टेक्निकल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं, जैसा आपको टाइटल और थंबनेल के माध्यम से समझ में आ रहा होगा। हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में बोर्ड कनेक्शन बताने वाला हूं, जिसमें एक 5-पिन सॉकेट, एक 1-वे स्विच और एक होल्डर का कनेक्शन किस प्रकार करते हैं वो बताने वाला हूं, और फेज न्यूट्रल का वायर कहां से निकलेगा वो बताने वाला हूं। तो दोस्तों, जो भी मित्र हमारे YouTube चैनल पर पहली बार है, YouTube चैनल से जुड़ने के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, सबसे पहले कनेक्शन कैसे करना है वो आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं, तो वीडियो को स्किप करना ना भूले। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा जो होल्डर है, होल्डर के 2 पॉइंट है, 5-पिन सॉकेट के 2 पॉइंट है और वो जो स्विच है उसके भी 2 पॉइंट है। तो उसमें कनेक्शन किस प्रकार करना है वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले 5-पिन सॉकेट और 1-वे स्विच को आपस में कनेक्ट करेंगे, तो 5-पिन सॉकेट का 1 पॉइंट का कनेक्शन हम 1-वे स्विच का 1 पॉइंट में करना है, और फिर होल्डर का कनेक्शन किस प्रकार करना है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। सबसे पहले दोस्तों, होल्डर का 1 पॉइंट का कनेक्शन हमने जो ब्लैक वायर है उसके साथ कर दिया है, और उसका कनेक्शन किस प्रकार करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। दूसरा पॉइंट है उसमें भी एक, मतलब होल्डर का जो दोनों पॉइंट है उसमें से आप 2 तार बाहर निकाल लीजिए कनेक्शन करने के लिए। एक मैंने ब्लैक और एक रेड वायर ले लिया है, और फिर दोनों वायरों को होल्डर कनेक्शन करने के बाद आपको क्या करना है, कहाँ पर कनेक्ट करना है वो बताने वाला हूँ। और 5-पिन सॉकेट का 1 पॉइंट है, बाएँ पॉइंट है, उसका कनेक्शन करना है 1-वे स्विच के ऊपर के पॉइंट में। जो पीला वायर यूज करेंगे हम उसके लिए, तो किस प्रकार करना है आपको वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा होल्डर का कनेक्शन करने के बाद आपको 5-पिन सॉकेट और 1-वे स्विच का कनेक्शन आपको करना है। जैसे आपको दिख रहा होगा 1 पॉइंट का कनेक्शन 1 पॉइंट में हमने कर दिया है। फिर दोस्तों, क्या करना है, जो रेड जो वायर था होल्डर का उसको क्या करना है आपको 1-वे स्विच का जो बचा हुआ पॉइंट है उसमें आपको कनेक्ट कर देना है। फिर आपको क्या करना है आगे बताने वाला हूँ आपको। फिर जैसे सबसे पहले 5-पिन सॉकेट और 1-वे स्विच को कनेक्ट कर दिया, फिर होल्डर को और जो 1-वे स्विच उसको कनेक्ट कर दिया, फिर आपको क्या करना है, जो ब्लैक वायर है उसको कनेक्ट कहाँ पर करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ब्लैक वायर है वो कहाँ पर कनेक्ट होगा, तो दोस्तों वो 5-पिन सॉकेट का जो हमने पीला वायर कनेक्ट किया था 5-पिन सॉकेट के बाएं पॉइंट में, उसमें आपको कनेक्ट कर देना है। और फिर दोस्तों, जो रेड वायर को हमने कनेक्ट कर दिया है और ब्लैक वायर को भी हमने कनेक्ट कर दिया है। अब दोस्तों, एक तो 5-पिन सॉकेट का जो पॉइंट है वो खाली बचा हुआ है, और फेज न्यूट्रल का वायर कहाँ से निकलेगा वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। अब दोस्तों, बात करते हैं फेज न्यूट्रल के वायर की। फेज न्यूट्रल का वायर कहाँ से निकलेगा वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले एक वायर तो हमने 5-पिन सॉकेट का दाएं पॉइंट था, बचा हुआ पॉइंट था, उसमें से हमने एक वायर निकाल दिया है। दूसरा वायर कहाँ से निकलेगा, वो निकलेगा 1-वे स्विच के नीचे के पॉइंट से निकलेगा। तो आपको दिख रहा होगा 1-वे स्विच के नीचे के पॉइंट से हमने एक लाल वायर निकाल दिया है, और एक काला वायर हमने 5-पिन सॉकेट के दाएं पॉइंट से निकाल दिया है, और होल्डर का कनेक्शन कर दिया है। तो कनेक्शन है वो कंप्लीट हो जाता है। तो आपको दिख रहा होगा कुछ प्रकार से किस प्रकार करना है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले होल्डर के दोनों वायरों को हमने कनेक्ट किया, फिर दोस्तों 5-पिन सॉकेट और 1-वे स्विच को आपस में कनेक्ट किया, और कनेक्शन है वो कंप्लीट हो जाता है।